कॉन्फिडेंस नहीं जीता। कई लोगों से हमारी मुलाकात हुई थी, लोगों ने कहा कि आपको बार बार आना पड़ेगा। मैं उनके इस जज्बात की इज्जत करता हूं और हम वादा किए हैं कि जरूर हम दोबारा जाएंगे सीमांचल को, हमारी पार्टी को स्ट्रेंथन करेंगे। और सीमांचल की नाइंसाफी ऐसी लड़ाई है कि मैं उस वक्त भी कहा आज भी कहूँ कि ये एक सोशल पॉलिटिकल लड़ाई है। टेक अवे ये रहा कि लोगों में हमारा एक इंट्रोडक्शन हुआ, हमारी पार्टी वहां पर अब काम कर रही है और उनको पूरी उम्मीद है कि और भी हम अच्छा काम करेंगे, जो कमजोरियां हैं उसको दूर करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 5 साल में यकीनन आज जो नतीजा आया है उससे अच्छा नतीजा आएगा, हमारे उम्मीदवार जिस वक्त हमारे कैंडिडेट्स कामयाब भी होंगे। 6 सीट अगर हम लड़ते हैं 243 में से, तो उसको आप वोट परसेंटेज देना बहुत गलत है। अगर हम लोग 40-50 सीट लड़ते तो आप बोलते कि हाँ 40% लड़ते तो ऑटोमेटिकली 1% 2% हो जाता, मगर 6 सीट लड़े हैं, पहली मरतबा लड़े हैं। मैं मानता हूं इस बात को कि हमको और वक्त देना चाहिए था वहां पर, मगर अगर आप इसका कंपेयर करेंगे उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश में हम लोग पिछले 3 साल से वहां पर काम हो रहा है। जो यहां पर जो कमजोरियां थी वो उत्तर प्रदेश में नहीं है उतनी कमजोरियां। उत्तर प्रदेश में पंचायत इलेक्शन में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा और बाय इलेक्शंस होंगे, हम उसमें लड़ेंगे। तो मैं उसको परसेंटेज वाइज मत देखे, 6 सीट को परसेंटेज मत निकालिए। वी विल कंटिन्यू एंड वी विल एंश्योर दैट इन अनदर 1.5 ईयर्स टाइम एंड यूपी इलेक्शन आर हेल्ड, आई एम श्योर दैट इन यूपी इट विल बी मच बेटर रिजल्ट। बिहार में एक माहौल बन चुका था कि मोदी को हराना है। जितने मुसलमान थे सब में ये था, और दूसरे कम्युनिटीज में, कि मोदी को हराना। बहुत से लोगों ने हमसे प्राइवेट में कहा भी, मैं पब्लिकली अब शेयर भी कर रहा हूं कि सर आप थोड़ा पहले आ जाते। बाद ने हमसे कहा कि आप अपनी मेहनत को जारी रखिए, इसको खत्म मत करिए, क्योंकि सीमांचल की बहुत बड़ी लड़ाई आपको लड़ना है, तो हम जारी रखेंगे। इससे मैं कोई मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है कि भाई इलेक्शन जीत हार लगी भी है। अगर एक पार्टी बिहार जाके लड़ रही इलेक्शन, तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन तो वहां एस्टैब्लिश हो चुका है, उसको और चिंतन करेंगे हम। एक बात इसमें सामने आ गई कि जहां मोदी और कांग्रेस का मुकाबला होगा मोदी जीतेगा, जहां मोदी का मुकाबला नॉन कांग्रेस लीडर से होगा मोदी हारेंगे वहां पर। आप देख लीजिए पार्लियामेंट इलेक्शन में सिवाय यूपी को छोड़ के हर स्टेट में जहां पर नॉन कांग्रेस फेस था वहां मोदी हारे या जीत नहीं सके। फिर जब महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन हुआ तो शिवसेना भी उनके खिलाफ खड़ी थी, वहां पर वो ज्यादा सीट नहीं जीत सके। झारखंड में जीत गए, हरियाणा में जीत गए, क्योंकि कांग्रेस वहां पर थी। दिल्ली में कांग्रेस सामने नहीं थी, हार गए।